जहां पर मेरे पास एक्चुअल जो ट्रेड हो रहा है ना वो मेरे पास डेटा आएगा राइट right? देखो इसमें मेरे पास चार ट्रेड है एक आईडीआई स्टॉक का है और तीन बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड है राइट right? और कुछ इसमें सभी ट्रेड्स का इंफॉर्मेशन है लाइक एंट्री डेट कितना है एंट्री प्राइस क्या है क्वांटिटी कितना एग्जिट हो चुका है कि नहीं हो चुका है एवरी राइट right? इसके पास इंफॉर्मेशन है कुछ मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसको आप आंसर करोगे Say, ये आपका ऑर्डर बुक है ये ट्रेड बुक है एंड दिस इज नेट पोजिशन राइट ये काफी टेक्निकल हो जाता है बस आप टाइम लेके इसका आंसर करोगे राइट सो लेट से अगर आपका ऑर्डर बुक पे दो ट्रेड है लेट से दोनों ट्रेड कंप्लीट होके और ट्रेड बुक पे आता है राइट right? मतलब दोनों कंप्लीटेड स्टेट पे है, ये तो ट्रेड बुक के पास दो काउंट आ गया आप बता सकते हो कि क्या नेट पोस्ट के पास कितना ट्रेड होगा रेंज बताना मुझे होल्ड कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे आप सबको ऐड करोगे राइट तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वांटिटी आपके पास ये डीमेट में पड़ा हुआ है, राइट तो ये जो पोजीशन है लाइक ओवरऑल राइट नेट मतलब क्या होता है ओवरऑल एग्रीगेट करके मुझे एक सिंगल रो दो एग्रीगेट करके सिंगल रो दो तो ये जो काम है ना लाइक So, ये नेट का काम होता है पोजिशन मतलब अगर मेरे पास लेट से सेम ट्रेडिंग सिंबल पे पहले आप 150 क्वांटिटी आपके पास है नेक्स्ट में क्या कर रहे हो 90 क्वांटिटी आप बेच रहे हो प्लस से आप डिफाइन कर रहे हो बाई टाइप को से नेगेटिव से डिफाइन कर रहे हो नेगेटिव आ, सेल साइड को आप बता सकते हो कि नेट पे मेरे पास कितना है सेम स्ट्राइक प्राइस पे देखो 50,700 का कॉल है नॉर्मल टाइप में ये दो ट्रेड को फोकस करो लास्ट टू ट्रेड पे ये नॉर्मल है और स्ट्राइक प्राइस है 50, का कॉल है राइट अगर उसके नेक्स्ट अब राइट यहां पर प्रोडक्ट टाइप चेंज हो रहा बस जो ट्रेडिंग सिंबल और बाय और सेल है सपोज करो ये मेरा आइडिया का स्टॉक है आइडिया का स्टॉक है राइट क्वांटिटी एक एक शेयर में बाय कर रहा हूं लेट से कोई एक प्राइस पे एंड ये इंट्राडे है ये इंट्राडे है राइट अब देखो लाइक like, कुछ टाइम बाद लाइक मे बी लेट से कुछ टाइम टी बार पांच मिनट या दो मिनट कुछ भी कंसिडर कर सकते हो तो आइडिया का शेयर है सेम क्वांटिटी बाई कर रहा हूं और प्राइस जो भी मार्केट प्राइस मिलेगा मैं उस पर बाई करूंगा पर इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट टाइप था एहां पर मैं कैरी ले रहा हूं कैरी ले रहा हूं अब देखो तो डिफरेंसेस क्या है यहां पर क्या था जो मेरा की फैक्टर है ना ये है टोटली चेंज हो गया यहां पर इंट्राडे है यहां पर कैरी है राइट right? तो मेरे पास जो रो बनेगा इसके लिए अलग से एक बनेगा इसके लिए अलग से बनेगा दो की ये दोनों सेम क्लास को बिलोंग कर रहा है आइडिया यहां पर भी है आइडिया यहां पर भी है पर ट्रेडिंग सिंबल के हिसाब से हम रो नहीं बना रहे हम बना रहे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हमारा ट्रेडिंग सिंबल आता है और राइट जिसमें हमारा प्रोडक्ट टाइप आता है प्रोडक्ट टाइप आता है तो उसके हिसाब से हमारा ये एक रो बन रहा है ट्रेड बुक सेकेंड ऑर्डर बुक एंड थर्ड है नेट पोस्ट ये काफी कॉस्टली ऑपरेशन है कॉस्टली ऑपरेशन है मतलब जब भी आपको डेटा चाहिए ना ब्रोकर से आपको हमेशा लाइक मल्टीपल टाइम्स आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ब्रोकर आपको रिस्पॉन्स करेगा राइट right? इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल की तरह ये टोटली डिफरेंट है ये कॉस्टली totally ऑपरेशन है. है इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिजम्स uh, होना चाहिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए कि बार बार मैं रिक्वेस्ट नहीं करूं मेरे पास ऑर्डर अपडेट का डेटा आ रहा है ऑर्डर अपडेट का डेटा आ रहा है कैन वी बिल्ड दिस थ्री क्या हम बना सकते हैं क्या है ये चीज आई थिंक एक जगह जो आप लोगों को डाउट लग रहा है ना वो आई थिंक ये लॉजिक बिल्डअप हो रहा है लॉजिक बिल्डअप एंड सेकेंड वाइज आई थे राइट ये दो चीज पे आप लोग मुझे लग रहा पर्सनली कि इस पर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है right? राइट ठीक है बेसिक्स समझ जाते हैं। पर जिस तरह का आप इंप्लीमेंट करते हो ना उसपे मुझे लग रहा है एक गैप बन जा रहा है राइट तो मैं एक काम कर सकता हूं लाइक तो दोनों के लिए दोनों डिफरेंट है एंड इसको यूट्यूब पे ना रख के लाइक लाइव इंटरक्शन राइट या तो या तो हमारा गूगल मीट पे हो जाए राइट किसी भी प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म पे आप चले जाओ किसी भी अलगू ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन पे आप चले जाओ राइट बड़े से बड़े फॉर्म पे आप चले जाओ बिना मास्टर का उनका ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है रिमेंबर वन थिंग ऑटोमेशन पॉसिबल ही नहीं है और राइट right, आप कितने भी अच्छे डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज कर लो पर मास्टर फाइल को आप रीड नहीं कर पाओगे ना तो आपका डेटा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा पड़ा रहेगा राइट मास्टर डेटा को अगर आप समझते हो तो आपका इन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा हेलो एवरीवन वेलकम टू द अलगोरदम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल

आप जब डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए चूज करोगे राइट right? तो उस टाइम आपको हेल्प कर जाए राइट सो सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम राइट सो थियोरिटिकल पे हम जाएंगे नहीं एंड टोटली ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे हम फोकस करेंगे तो पार्ट थर्टीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट इलेवन एंड पार्ट ट्वेल्व राइट आपको ये दो पार्ट देखना होगा तभी जाकर आप पार्ट थर्टीन आप इजली समझ पाओगे राइट सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट राइट सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट इस पे हम क्या करेंगे नेट पोजिशंस वाले जो फंक्शनैलिटीज है राइट उसको खासकर इम्प्लीमेंट करेंगे राइट एक रोड मैप देख लेते हैं राइट सो रोड मैप में हम किस वे पे मूव कर रहे हैं हमारा वे ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह है? वो डिस्कशंस कर लेते हैं राइट एंड दिस इज पार्ट थर्टीन राइट तो जिसमें क्या नेट पोजिशन बिल्ड कर रहे हैं लाइक इन टोटली इन पाइथन और इसमें मेन जो फोकस है हमारा एपीआई राइट जो कि डेटा है लाइक सो दीज आर ऑल दट रीड डेटा राइट सो ट्रेड डेटा है तो हमारे सिस्टम पे ये बन नहीं रहा फॉर्मुलेट हमारे सिस्टम पे नहीं हो रहा ये ब्रोकर के पास बन रहा है तो हमें डेटा कलेक्ट करना तो डेटा कलेक्शन के लिए हम क्या यूज कर, तो कर रहे हैं एपीआई रेट तो हम रीड एपीआई के थ्रू सारा ये चीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं राइट जो पार्ट थर्टीन है पार्ट इलेवन एंड का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है राइट right. मैं अपडेटेड वर्जन इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है लाइक like, इसका डिफरेंट रोल है टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक राइट ऑर्डर बुक हमें बताता फर्स्ट इंट्रेक्शन टू द्रोकर ट्रेड बुक हमें बताता है कि आपका जो ट्रेड है सच में एग्जीक्यूटेड हो गया बट नेट पोजिशन पे क्या ये दो जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना नेट पोजिशन उसके लिए बेस बन जाता है देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आना चाहिए राइट right? सो so एक बार मैं व्यू करवाता हूं पहले आप लोग को इस वीडियो पे मैं क्या इंप्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ राइट right? एंड बाय द वे लाइक दिस इज माय डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चैनल तो आप लोग कनेक्ट होना चाहते हो तो इसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाओ so, तो जो भी डाउट्स वगैरह आता है लाइक जो भी डाउट्स हो गया प्रॉब्लम रिगार्डिंग द ए टी एग्जीक्यूशन एंड कुछ पाइथन बेसिस पे कुछ डाउट है तो आप इसमें कनेक्ट हो सकते हो या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो तो मैं इसमें रिस्पॉन्ड करता हूँ कि यही एक मीडियम है जहां पर मैं लाइक मुझे पता नहीं चलता ना कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कुछ डाउट्स वगैरह आ जाता है राइट right? दिस इज द ओनली मीडियम राइट जहां पे आप अपना स्क्रीन शॉट इसमें भेजोगे मैं देखूंगा रिस्पॉन्स करूंगा मैं समझूंगा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है राइट right? तो so, ये सारा प्रॉब्लम है लाइक like, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही मीडियम है दिस इज डिस्कॉर्ड राइट सो दिस इज माई यूट्यूब चैनल राइट तो मैं आप लोग से सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना आप इस वीडियो से स्टार्ट करो पार्ट वन पार्ट टू राइट पार्ट टू वाले वीडियोस पे मैं ज्यादा फोकस करने को बोलूंगा कि इसमें मेरा थॉट प्रोसेस क्या बिल्डिंग रिगार्डिंग एटी एग्जीक्यूशन राइट तो ये चीज आपको समझ में आएगा राइट तो पार्ट टू ऑन देखोगे तो समझ में आएगा दिस वन ये टेस्टिंग पे जब हम बेसिक से फंक्शनलिटीज को टेस्ट करते हैं मार्केट पे तो दिस इज वन ऑफ द टेस्टिंग एंड जो दूसरा है दिस वन राइट सो तो ये दो टेस्टिंग का पार्ट है पर जो एक्चुअल में पूरा ये वीडियोस देख रहे हो ना मार्केट फीड वेब सॉकेट एवरीथिंग सारे चीज को मैं इंप्लीमेंट किया हूं और साथ में पैरली एक्सप्लेन भी किया हूं राइट तो आपको बोरिंग फील ना हो तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं पाइचाम पर ने इंप्लीमेंट नेट दोजिशन सो तो नेट पोजिशन देखो इस पे क्या क्योंकि अब आपको समझ में आ गया इंटरफेस फिनब्रिशिया क्लास क्या एवरी थिंग राइट तो अब अगर मुझे नेट पोजिशन इंप्लीमेंट करना तो आप लोग खुद ही बताओगे कि ये जो फंक्शन है किसके पास होना चाहिए इंटरफेस फिनब्रिशिया पे राइट तो ये आप लोग का सेल्फ ये आंसर कर पा रहे हो राइट कि ये चीज कहां पे मेंशन होना चाहिए कि एक्चुअल जो फंक्शन है उसका एक थॉट प्रोसेस है राइट तो उसी वे पे हम सारा इंप्लीमेंट कर रहे हैं नो सिमिलर राइट तो जो सिक्सटीन एंड सेवनटीन राइट सिक्सटीन वॉज फॉर ऑर्डर बुक सेवनटीन हमारा क्या है ट्रेड बुक क्लियर राइट सिमिलर पैटर्न पे हमारा ये भी रहेगा राइट सिमिलर पैटर्न पे हमारा ये रहेगा तो so, इसको करते क्या है सो जस्ट कॉपी करके फंक्शनैलिटीज को अपग्रेड करते राइट तो गेट इंस्टेड ऑफ गेट नेट पोजिशन है यहां पर मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं लाइव राइट फ्रॉम ट्रेडिंग वेन्यू राइट सो परफेक्ट ये हो गया दिस वन ठीक है कनेक्शन फेलियर होता तो ये हैंडल करेगा तो यहां पर जो वेरिएबल है जहां पर मैं देख रहा हूं लोड कर रहा हूं तो नेट पोजिशन अब देखिए ये फंक्शन एसडीके का यहां पर मॉडिफिकेशन है राइट इसके लिए नेट पोजिशन के लिए जो ब्रोकर का जो एसडीके है वो क्या फंक्शन सपोर्ट करता उसको हमें यहां पे चेंज करना होगा राइट तो वन यहां पर जो मैसेज आएगा नेट पोजिशन राइट Perfect, and this one count.

तो ये फॉल्स लेके बैठा फॉल्स लेके बैठा ये प्रिंट करेगा उसके बाद रिटर्न कर जाएगा राइट अगर सच में आपका कनेक्शन बना हुआ तब ये प्रोसेस करेगा दिस वन राइट अगर गेट नेट पोजिशन अब यहां पर मॉडिफिकेशन हमें करना होगा राइट तो देखो सो so, मुझे इसका फंक्शन देखना होगा दिस वन एंड दिस वन रेड ये फंक्शन पे आप फोकस करो तो प्लेस ऑर्डर आप लोगों को पता है क्या रेट तो ये ये फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है दिस वन दिस वन राइट तो अंदर देखते किस तरह कुछ ये रिटर्न कर रहा है आप देखोगे ये फंक्शन है यहां तक तो दिस एक नन कर रहा, और एक जगह कुछ प्रॉमिस कर रहा है ये रि, करने को, तो इसको हैंडल करते हैं। इस केस पे क्या ये हमारा हैंडल हो चुका है राइट सो तो ऑर्डर बुक ट्रेड बुक और नेट पोजिशन का सबका सिमिलर बिहेवियर है राइट तो अगर आपको ये समझना है तो पार्ट इलेवन एंड देखो पहले राइट तो दिस वन दिस वन ऑन राइट परफेक्ट आई थिंक ये हो चुका गिट पोजिशन दस वन दिस वन ऑन राइट परफेक्ट नाउ ये इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन नंबर एटीन ये हो चुका ऑन हाँटीन पे सारा हो चुका इंटरफेस फिनबेशल करना राइट इसको कॉल करना तो कॉल के लिए भी आपको ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं डालना की जैसे रेड बुक ऑर्डर बुक को हम एक्सेस किए थे सिमिलर वे पे इसको भी एक्सेस करेंगे राइट Right, so, राइट सो यहां पर गेट नई प्जिशन परफेक्ट राइट फंक्शन नंबर सेवन था यह फंक्शन नंबर एट हो जाएगा राइट फंक्शन नंबर एट ये कहां पर है ट्रेडिंग इंजन पर यह इंप्लीमेंट कर रहा हूं राइट फ्रॉम ट्रेडिंग वेन्यू राइट सो दिस पर एक्टिवेट मार्केट फेट आपको यहां पर यूज कर रहा हूं फर्स्ट मेरे पास क्या आएगा ऑर्डर बुक आएगा देन एग्जीक्यूटिड आएगा देन नेट पोजिशन उसके बाद एक्टिवेट मार्केट फेड फंक्शन को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये एज अ कॉलिंग फंक्शन है राइट कॉलर फंक्शन है ये कोई और फंक्शन है दस वन स्टार्ट ट्रेंडिंग इंजन इसके अंदर में कोई और फंक्शन को यूज कर रहा हूं राइट सो दिस इज कॉलर फंक्शन और ये क्या हो गया हमारा कॉली फंक्शन हो गया राइट नाउ नाउ वी हैव टू टेस्ट राइट देखो मैं समझाता हूं कि क्या इंप्लीमेंट किया एवरीथिंग सो राइट राइट देखो मेरे पास ये डेटा आया नेट पोजिशंस राइट टू तो रिक्वेस्टिंग नेट पोजिशन लाइव फ्रॉम ट्रेडिंग वेन्यू राइट तो मार्केट क्लोज है राइट है तो जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है इस चार ही कॉलम पे फोकस करो सॉरी ये चार ट्रेड है चार रिकॉर्ड की तरह आप कंसिडर करोगे तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है अगर मैं राइट वर्ड जाता हूँ तो आप देखोगे बैंक निफ्टी का दिस वन दिस इज बैंक निफ्टी ऑप्शन राइट कॉल साइड का ये भी बैंक निफ्टी ऑप्शन का नेट पोजिशंस के पास ये डेटा आ रहा है राइट नाउ कम टू द ट्रेड बुक मेरे पास इसमें रिकॉर्ड बता सकते हो कितना जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना टोटल जो रिकॉर्ड आ रहा है फोर आ रहा है राइट ये नंबर को बस मेमोराइज करो राइट टोटल रोज इन नेट पोजिशन पे क्या है फोर है राइट right? ये चीज मैं प्रिंट भी कर रहा हूं कि कैसे प्रिंट कर रहा हूं आप यहां पर देखो राइट इस वाले रिकॉर्ड पे प्रिंट टोटल रो इन नेट पोज इज उसके बाद जो भी काउंट आएगा ये मुझे ये प्रिंट कर रहा है राइट right? अब ट्रेड बुक पे आप फोकस करो ट्रेड बुक पे इसमें क्या बोल रहा जो टोटल एग्जीक्यूटेड ट्रेड है ना सेवन है दैट ये टोटल ट्रेड बुक का बता रहा है और ट्रेड बुक के पास कंडीशन क्या है जो फर्स्ट कंडीशन अगर आप लास्ट वीडियो देखो ना तब आप बता सकते हो राइट तो इसके पास सेवन आ रहा है राइट अब क्यों आ रहा है यह आपको समझना है एंड ऑर्डर बुक पे आप देखोगे सो so अगर आप काउंट करते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन राइट तो ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक के पास जो मेरे पास डेटा आ रहा है इक्वल नंबर है बस अभी आप मेमोराइज़ करो राइट आई थिंक हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो चुका जस्ट डू वन थिंग अब बस इसको कॉपी करो राइट सो right, so मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं जस्ट राइट right, मुझे लग रहा है कि एक दो जगह आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा राइट uh, right, तो उसको मैं देखता हूं कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए इसमें अब यहां से यहां तक कॉपी करोगे राइट यहां से लाइक फ्रॉम लाइन नंबर 277 टू 297, राइट फंक्शन नंबर 18 सेवन सेवन टू टू कॉपी करो राइट नाउ द सेम थिंग लाइक फॉर ट्रेडिंग इंजन पे फंक्शन ये फंक्शन नंबर एट को एज इट इज आप कॉपी करोगे राइट फंक्शन नंबर एट को एज इट इज कॉपी करोगे क्या आई थिंक कॉपी हो चुका और जहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूं ना अब यहां पर आपको यूज करना राइट लेट से अब देखो जो भी आप फोल्डर बनाओगे उसको आप सेव करते चलो राइट तो मैं इसको सेव कर देता हूं राइट सो तो ये मेरा सेव हो गया परफेक्ट देखो अब ये नेट पोज है क्या मैं उसके बारे में डिस्कशंस दे देता हूं तो ये हमारा राइट ये रोडमैप ये डिस्कॉट कॉम्युनिटी चैनल ब्रोकर पैनल जहां पर मेरे पास एक्चुअल जो ट्रेड हो रहा है ना वो मेरे पास डेटा आएगा राइट देखो इसमें मेरे पास चार ट्रेड है एक आई डी आई स्टॉक का है और तीन बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड है राइट और कुछ इसमें सभी ट्रेड का इंफॉर्मेशन है लाइक एंट्री डेट कितना है एंट्री प्राइस क्या है क्वांटिटी कितना एग्जिट एक्जिट हो चुका है कि नहीं हो चुका एवरीथिंग राइट right? इसके पास इंफॉर्मेशन है अगर ऑर्डर बुक पे आप देखोगे और नेक्स्ट डे पे आप ये चीज को व्यू करते हो तो ऑर्डर बुक में बताया था क्लीन अप हो जाता है क्यों होता है ये आपको फिगर आउट करना होगा राइट right? ये क्लीन अप हो जाता हमारा जो ट्रेड बुक है वो भी क्लीन अप हो जाता है राइट सेम व्यू पे नाउ जो पोजीशन है दिस वन ये क्लीन नहीं होगा राइट right? दिस इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो ब्रोकर आपका पोजिशंस को स्टोर करता है राइट right, तो आप समझो ये चीज नेक्स्ट स्टेप है नेट पोजिशन ही हमारा एक ऐसा टेबल है एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मुझे बताएगा कि, कि आपका एक्चुअल पोजिशंस कितना ओपन है राइट नाउ द प्रॉब्लम क्या है ना सो so, देखो मैं इस चीज को इतना प्रेसराइज क्यों कर रहा हूँ लाइक like, जो इंटरनल वर्किंग पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ द आइडिया इज आइडिया क्या है आइडिया क्या देखो जब आप डेटा स्ट्रक्चर पे काम करोगे ना सो so अब अपने सिस्टम के लिए एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर आप चूज करोगे कौन सा लाइक like, लिस्ट अच्छा काम करेगा डेटा फ्रेम काम करेगा या सिंपल डिक्सनरी टपल तो उस चीज में आपको हेल्प आउट करेगा कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको आप आंसर करोगे लेट्स ये आपका ऑर्डर बुक है ये ट्रेड बुक है एंड दिस इज नेट पोजिशन राइट ये काफी टेक्निकल हो जाता है बस आप टाइम लेके इसका आंसर करोगे राइट सो लेट से अगर आपका ऑर्डर बुक पे दो ट्रेड है लेट से दोनों ट्रेड कंप्लीट होके और ट्रेड बुक पे आता है राइट मतलब दोनों कंप्लीटेड स्टेट पे है। ये तो ट्रेड बुक के पास दो काउंट आ गया आप बता सकते हो कि क्या पोस्ट के पास कितना ट्रेड होगा रेंज बताना मुझे रेंज बताना लेट से अगर ट्रेडबुक के पास दो ट्रेड एग्जीक्यूटेड है तो नेट पोस्ट के पास क्या हो सकता है इसका जो रेंज आएगा अगर इसके पास है लाइक ट्रेडबुक के पास ट्रेड ओपन है दैट मीन्स पोस्ट के पास लाइक मिनिमम वन ट्रेड होगा मैक्सिमम टू होगा जो रेंज इसका निकल के आएगा वन टू टू ये दो तरह का ट्रेड क्यों कैसा हो गया मेरे पास अगर ट्रेडबुक पर आप फोकस करोगे तो टोटल जो ट्रेड है ना टोटल है सेवन है अब आइडिया को भी रिमूव कर दो राइट right? इसको भी आप कैलकुलेट मत करो दिस वन राइट सो आप ये जो नीचे का जो छे ट्रेड है इस पे फोकस करो पहले अर्ली इन द मॉर्निंग मैं इसको बाई करता हूँ सेल करता हूँ राइट देन बाय सेल बाय सेल टोटल जो पेयर बन रहा है पेयर बन रहा तीन राइट right? मतलब एक ट्रेड ओपन किया उसको क्लोज कर दिया राइट right? सेल कर दिया राइट right? नेक्स्ट है दूसरे ट्रेड को मैं बाय करता हूं बाय किया देन उसको जो ओपन पोजिशन था उसको मैं क्लोज कर दिया दैट जो मेरा एग्जिट हो रहा है ना एग्जिट हो रहा है वो सेल के थ्रू हो रहा है अगर मैं बाई कर रहा हूँ ट्रेड को अगर उसको क्लोज कर रहा हूं तो दैट मीन्स वो सेल पे क्लोज हो जाएगा राइट तो इस तरह का पोजिशन मेरा बिल्डअप हो रहा है लेकिन आप देखोगे टोटल छह ट्रेडिंग सिंबल है पर पोजिशन पे आप देखोगे टोटल तीन है आइडिया को भी इग्नोर मारो राइट दस वन को आप इग्नोर मारो ये तीन रोज पे आप फोकस करोगे तो टोटल जो रोज मेरे पास बन के आ रहे बनकर बन रहा कितने बन रहे थ्री बन रहा नाउ जो टोटल जो रोज मेरे पास बन रहा है थ्री बन रहा है राइट नाउ एक क्वेश्चन पूछता हूं ल, लेट से मैं कुछ बेसिक्स बताता हूं राइट तो ये जो नेट पोजिशन है ना ये दो टर्म से मिलकर बनता है नेट मतलब क्या होता है ये दो है नेट एंड पोजिशन राइट नेट में क्या होता सपोज करो लेट से आपके पास कोई पर्टिकुलर शेयर uh, uh, का जो क्वांटिटी है लेट से आज पाँच बाय करते हो कल दस बाय करते हो नेक्स्ट वीक मंडे को आप लेट से दस और बाय करते हो तो ओवरऑल आप बता सकते हो कितना आप क्वांटिटी आप बाय करके होल्ड कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे आप सबको ऐड करोगे राइट तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव क्वांटिटी आपके पास ये डीमेट में पड़ा हुआ है राइट तो ये जो पोजीशन है लाइक ओवरऑल राइट नेट मतलब क्या होता है ओवरऑल एग्रीगेट करके मुझे एक सिंगल रो दो एग्रीगेट करके सिंगल रो दो तो ये जो काम है ना लाइक like, सो so ये नेट का काम होता है पोजिशन मतलब अगर मेरे पास ये पोजिशन है राइट right? देखो ये पोजिशन क्या होता है इंस्टेड ऑफ मैं डिफाइन करूं ट्रेड बुक पे देखोगे तो मेरे सभी ट्रेड के लिए बाइक के लिए अलग से एक ट्रेड बन रहा था सेल के लिए अलग से बाइक के लिए अलग से सेल के लिए अलग से मतलब जितने भी मेरे पास टाइप के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रहा था बाई like के लिए अलग से एक ट्रेड बन रहा है सेल उस उस ट्रेड को क्लोज करने के लिए हमारे पास एक नया ट्रेड बन रहा था ये जो प्रोसेस है राइट right? तो इसमें क्या हो रहा है पोजिशन को हमें एग्रीगेट करके एक सिंगल ट्रेड बता रहा है एक सिंगल ट्रेड बता रहा है राइट right? सो so, देखो मेरे केस पे क्या था जैसे बैंक निफ्टी का दिस वन सो अगर लेट से बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी 11 सितंबर 2024 का जो कॉल बाय था सो so कॉल था 5800 राइट फिफ्टी एट का कॉल राइट सो बाय है देन राइट सो इसके बाद क्या था जो क्वांटिटी एक क्वांटिटी पे अब बेसिक बेसिक्स एज्यूम करना ये जो क्वांटिटी है सारा एक क्वांटिटी पे है, राइट right? अगर मुझे ये पोजीशंस को अगर क्लोज करना है तो सेम क्वांटिटी रहेगा सेम ट्रेडिंग सिंबल कॉल भी रहेगा पर बाय की जगह क्या होगा यहां पर सेल हो जाएगा सेल हो जाएगा राइट अब बता सकते हो कि नेट में मेरे पास कितना पोजिशन ओपन है ट्रेडिंग सिंबल सेम है राइट नेट में मेरे पास जीरो होगा क्वांटिटी एज अ जीरो दैट मीनस मेरे पास कुछ नेट में ओपन नहीं है समझ में आ रहा ना तो ये होता बेसिक्स इंप्लीमेंटेशन पोज का हमें क्या होता है कि एक हमें दस रो नहीं चाहिए दस रो नहीं चाहिए हमें बस एक रो पे एग्रीगेट करके सम बताओ एग्रीगेट करके सम बताओ जिसमें क्वांटिटी आएगा नेट क्वांटिटी आएगा अगर क्वांटिटी स्पेसिफिक बोला जाए तो जिसमें बाय का बाय नेट क्वांटिटी आएगा राइट सेल नेट क्वांटिटी आएगा और इन टर्म्स ऑफ प्राइस पे देखोगे किस एंट्री प्राइस पे आप बाय करते हो तो बाय वैल्यू सेल वैल्यू राइट तो ये जो सारा काम है ना ये नेट पोज मुझे बताएगा नेट पोज का सिंपल काम क्या है मुझे जितने भी ट्रेड मेरे सिस्टम पे आया ना उसका नेट करके मुझे बताओ नेट करके बताओ मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं लेट से कि अगर 11 बजे 11 बजे 10 क्वांटिटी बाय कर रहा हूं 12 बजे 10 क्वांटिटी बता रहा हूं ओवरऑल एंड ऑफ द डे मेरे पास कितना नेट पोस्ट पर ट्रेड ओपन है लाइक like, एक सिंगल लाइक सिंगल ट्रेड मुझे इंफॉर्मेशन दो सिंगल ट्रेड पे सारा इंफॉर्मेशन दो टोटल क्वांटिटी कितना है तो क्वांटिटी के लिए आप नेट करोगे नेट करोगे मतलब एड करोगे राइट right? तो ये इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा नेट पोजिशन देगा राइट right? और एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे देखो लेट से अब बैंक निफ्टी का 11 सितंबर 2024 का क्वांटिटी लेट से स्ट्राइक प्राइस है 50,800 का कॉल आप बाई करते हो राइट जो फर्स्ट डेट पे बाई say, व, आ, 15, आप बाई कर रहे हो लेट से 15 लाइक एक लॉट क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो राइट एक लॉट आप बाय कर रहे हो और नेक्स्ट मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो सेम ट्रेडिंग सिंबल को सेम ट्रेडिंग सिंबल को आप सेल कर दे रहे हो सेम क्वांटिटी पे आप बता सकते हो नेट पे मेरे पास कितना है नेट से सेम ट्रेडिंग सिंबल पे पहले आप 150 क्वांटिटी आपके पास है नेक्स्ट में क्या कर रहे हो नाइनटी क्वांटिटी आप बेच रहे हो प्लस से आप डिफाइन कर रहे हो बाई टाइप को नेगेटिव से डिफाइन कर रहे सेल साइड uh, को अब बता सकते हो कि नेट पे मेरे पास कितना है मीन क्या करोगे 150 फिफ्टी माइनस नाइनटी करोगे तो जो भी क्वांटिटी आएगा राइट तो वो आपका क्या आ जाएगा एक्चुअल नेट पोजिशन आ जाएगा इस वाले में क्या है फिफ्टीन बाई क्या सेल क्लियर कर दिया राइट तो ओवरऑल नेट पे देखा जाए तो मेरे पास जीरो नेट पोजिशन है पर इन टर्म्स ऑफ लाइक जहां पर नंबर डिफरेंट है 150 फिफ्टी एज अ बाई है 90 मेरे पास सेल है अगर इसका नेट पे देखा जाए तो नेट पे मेरे पास 60 आ जाएगा 60 एज अ लॉन्ग पे है राइट 60 एज अ लॉन्ग पे जो इंफॉर्मेशन है हमें कौन दे रहा है नेट पोजिशन दे रहा है राइट आई थिंक आप लोग नेट पोजिशन के बारे में समझ गया राइट नेट पोजिशन का सिंपल सा गोल क्या होता है सिंपल सा जो गोल है हमें नेट पोजिशन बताएगा नेट में मतलब एग्रीगेट एक सिंगल रो पे हमें ये इंफॉर्मेशन देगा राइट right? ये बेसिक्स आप समझ गए नाउ अब देखो इसमें कुछ की फैक्टर आता है की फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है राइट right? जैसे आप सपोज करो अगर इस ट्रेड को आप गौर से देखोगे ना लाइक तो आप देखोगे कुछ प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल है एंड कुछ प्रोडक्ट टाइप एम आई एस है सेम स्ट्राइक प्राइस पे देखो फिफ्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड का कॉल है नॉर्मल टाइप में ये दो ट्रेड को फोकस करो लाइक लास्ट टू ट्रेड पे ये नॉर्मल है और स्ट्राइक प्राइस है फिफ्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड का कॉल है राइट right? अगर उसके नेक्स्ट right? अब जो ट्रेडिंग सिंबल और बाय और को कर रहा है मतलब प्रोडक्ट पे दैट मीन तो इसके पास मेरे लिए एक रो बनना चाहिए एक रो इसके लिए बनता ये दूसरा ट्रेड है लाइक दूसरा स्ट्राइक प्राइस को बिलोंग कर रहा थाउजेंड एट हंड्रेड का कॉल है इसके लिए अलग से एक रो बनता इसके लिए एक रो इसके लिए एक रो और आइडिया के लिए एक रो मतलब टोटल तीन रो बनना चाहिए राइट पर पोजिशन पे आप देखोगे तो इस इसपे मेरे पास चार रो बन रहे हैं समझो जो की फैक्टर है की जो वर्ड पे मैं फोकस किया था उस पर क्या था सो इस वाले पे फोकस करो जो देखो ये ट्रेडिंग सिंबल और दिस वन राइट सेकेंड एंड थर्ड वाले पे फोकस करोगे तो फिफ्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड का कॉल बना रहा है राइट इसमें आई थिंक कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है आप लोग नाउ जो डिफरेंसेस एक नया ज, रो जनरेट कर रहा ऑन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक इंटराडे है या नॉर्मल है राइट उसके हिसाब से एक ट्रेड जेनरेट कर रहा है आप like, right. देख रहे हो ना ये दो चीज को लेट से लेट से आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग को डाउट है जेन्यन डाउट है राइट right. सपोज करो ये मेरा आइडिया का स्टॉक है आइडिया का स्टॉक है राइट right. क्वान्टिटी एक शेयर में बाय कर रहा हूं लेट से कोई एक प्राइस पे ये इंट्राडे है ये इंट्राडे है राइट अब देखो लाइक कुछ टाइम बाद लाइक मे बी लेट से कुछ टाइम टी कंसिडर कर सकते हो तो आइडिया का शेयर है सेम क्वांटिटी बाई कर रहा हूं अब प्राइस जो भी मार्केट प्राइस मिलेगा मैं उस पर बाई करूंगा पर इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट टाइप इंट्रा डे था यहां पर मैं कैरी ले रहा हूं कैरी ले रहा हूं अब देखो डिफरेंसेस तो क्या है यहां पर क्या था जो मेरा की फैक्टर है ना ये टोटली चेंज हो होगा यहां पर इंट्राडे है यहां पर कैरी है राइट तो मेरे पास जो रो बनेगा इसके लिए अलग से एक बनेगा इसके लिए अलग से बनेगा दो कि ये दोनों सेम क्लास को बिलोंग कर रहा है आइडिया यहां पर भी है आइडिया यहां पर भी है पर ट्रेडिंग सिंबल के हिसाब से हम रो नहीं बना रहे हम बना रहे हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट को कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हमारा ट्रेडिंग सिंबल आता है ऑलराइट राइट जिसमें हमारा प्रोडक्ट टाइप आता है प्रोडक्ट टाइप आता है तो उसके हिसाब से हमारा ये एक रो बन रहा है याद रखना जब भी नेटफोस का अगर रो बनेगा मेरे पास तो दो एट्रीब्यूट का डेटा चाहिए पहला ट्रेडिंग सिंबल चाहिए अब प्रोडक्ट टाइप प्रोडक्ट टाइप में या तो इंट्राडे होगा लाइक मेरे केस पे एम आई एस है ऑलराइट अगर नॉर्मल है नॉर्मल है लाइक लाइक कैरी ले रहे हो तो उस केस में एन आर एम एल बनेगा आई थिंक समझ रहे हो ये चीज मैं इसलिए इसलिए इंटरनल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर पे आपको हेल्प आउट करेगा राइट लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये ट्रेड बुक का लाइक ये जो तीन प्रोटोकॉल है ट्रेड बुक सेकेंड ऑर्डर बुक एंड थर्ड है नेट पोस्ट ये काफी कॉस्टली ऑपरेशन है कॉस्टली ऑपरेशन है मतलब जब भी आपको डेटा चाहिए ना ब्रोकर से आपको हमेशा लाइक मल्टीपल टाइम्स आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ब्रोकर आपको रिस्पॉन्स करेगा राइट right. इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल की तरह ये टोटली totally डिफरेंट है ये कॉस्टली ऑपरेशन है इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज्म uh, होना चाहिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए कि बार बार मैं रिक्वेस्ट नहीं करूं मेरे पास ऑर्डर अपडेट का डेटा आ रहा है ऑर्डर अपडेट का डेटा आ रहा है कैन वी बिल्ड दिस थ्री क्या हम बना सकते हैं क्या है ये चीज बना सकते हैं right? राइट तो ये जो प्रॉब्लम है राइट right? ये इसके पास जो प्रॉब्लम है नेटपोस हमें बता देता है कि चलो ठीक है आपके पास ये 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 ट्रेड का ये एग्रीगेट मेरे पास ट्रेड बन रहा है और माइट भी कि ये जो ट्रेडिंग सिंबल है ये कैरी पे गया नेक्स्ट डे आपको ये अपडेट करेगा ये पोजिशन आपको कन्वे करता है बताता है राइट पर इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये कॉस्टली ऑपरेशन है इस कॉस्टली को रिमूव करने के लिए रिड्यूस करने के लिए हमारे पास ऑर्डर अपडेट होता है ऑर्डर अपडेट मैं बता चुका हूं लाइक वेब सॉकेट पे तो वो चीज आप देख लोगे ना तो ये जो प्रॉब्लम है सच में आप आप रियलाइज कर पाओगे राइट कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम राइट आई थिंक एक जगह जो आप लोगों को डाउट लग रहा है ना वो आई थिंक ये लॉजिक बिल्डअप पे हो रहा है लॉजिक बिल्डअप एंड सेकेंड वाइज पाइथन राइट ये दो चीज पे आप लोगों को मुझे लग रहा पर्सनली कि इस पे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है राइट पाइथन पे ठीक है हम बेसिक्स समझ जाते हैं पर जिस तरह का आप इंप्लीमेंट करते हो ना उसपे मुझे लग रहा है एक गैप बन जा रहा है right? राइट तो मैं एक काम कर सकता हूँ लाइक तो दोनों के लिए दोनों डिफरेंट है एंड इसको यूट्यूब पे ना रख के लाइक लाइव इंट्रैक्शन राइट या तो या तो हमारा गूगल मीट पे हो जाए राइट या जूम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसको लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं राइट और राग, ये सारा चीज़ पे ना मुझे बहुत लाइक एक बेस बनाना पड़ेगा लेकिन पाइथन अपने आप में बहुत डाइवर्स टॉपिक है इसको यूट्यूब पे करूँगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है राइट तो मैं इसको फिगर आउट करता हूँ कि इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें और इसका एग्जीक्यूशन टोटली लाइव रहेगा ऑनलाइन रहेगा और राइट ये ना ही यूट्यूब पे नहीं आने वाला सो so, दिस देखो यूट्यूब मेरे पास एक कंस्टेंट है कि मैं जो भी बोलू तो उस पर एक चेक है राइट right? कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना पर लाइव क्लास में ऐसा नहीं रहेगा मतलब दो कि मैं सब सही सही बताऊंगा पर ऐसा जहां पे लग रहा है कि नहीं ये चीज भी मुझे बताना चाहिए कन्वे करना चाहिए तो वो बेनिफिट मिल जाएगा राइट right? बट ठीक है मैं इसको देखता हूं कि कैसे एग्जीक्यूशन प्लान करूँ डिटेल्स वगैरह एवरीथिंग सो अभी इसको कंफ्यू इसको देखना मेरे साइड से कि कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ बट एनी हमारा जो लाइक like, डेवलपमेंट था दिस वन नेट पोजिशन ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया राइट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया नाव जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो आता मास्टर डेटा अब आता मास्टर डेटा राइट अभी हम बहुत थ्योरी पढ़ ली राइट right? हमारे पास थ्योरी बहुत है अब हमें मास्टर पे काम करना राइट किसी भी प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म पे आप चले जाओ किसी भी एल्गो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन पे आप चले जाओ राइट बड़े से बड़े फॉर्म पे आप चले जाओ बिना मास्टर का उनका ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है रिमेंबर वन थिंग ऑटोमेशन पॉसिबल ही नहीं है राइट आप कितने भी अच्छे डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज कर लो पर मास्टर फाइल को आप रीड नहीं कर पाओगे ना तो आपका डेटा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा पड़ा रहेगा राइट मास्टर डेटा को अगर आप समझते हो तो आपका इनबिल्ड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा ये क्या टेक्निकल बता रहे हो ठीक है मतलब देखो इसमें क्या ना मेरे जो व्यूअर्स है like राइट तो सबको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को मैं ये बता रहा हूं किसी को वैसा एक 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 जनरल सा लाइक like सभी को सेम पेज पे लाने के लिए मुझे जो भी उनके हिसाब से थॉट प्रोसेस है वो मुझे बताना पड़ता है right, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड हमारा जो फर्स्ट वीडियो रहेगा ऑटोमेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा राइट नेक्स्ट वीडियो दैट मीनस पार्ट फोर्टीन से स्टार्ट हो जाएगा राइट right. जैसा मैं प्रॉमिस किया था ये जो एटी एग्जीक्यूशन सीरीज है राइट right? ये ऑलमोस्ट सिक्सटी पार्ट में आने वाला है राइट सो देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना अगर आप लोग सोचोगे इतना डिले क्यों कर रहे हो एवरीथिंग एंड ऑल देखो रीजन क्या है रीजन नहीं बताता हूं राइट right? सो so, अगर आप अपने लिए एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहते हो राइट सो कोई भी कंपनी लेवल पर बिल्ड करता है तो मे बी डिपेंड करता है डेवलपर पर राइट तो डेवलपर का एक्सपीरियंस कैसा है सो एज पर माई नॉलेज ये ट्वेंटी डेज मुझे लगता है बिल्ड करने पर ट्वेंटी डेज राइट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पर अगर आप ये चीज बिल्ड करोगे तो प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू टेक अराउंड टू दो मंथ लगता है जो मैं बता रहा हूं ये मैं फील किया हूँ ये बिल्ड किया तभी मैं बता रहा हूं ना पर आप जब सच में आप अपना गो थ्रू करोगे एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन तो आप एक बार में सर्वर को हीट नहीं करोगे आपको बहुत सारा ऐसा एरर आएगा जो हैंडल करना पड़ेगा एवरीथिंग right? so ये दो मंथ लग जाता है बेसिक सा एक, एक बिल्ड करने पे राइट right? तो so मैं ट्वेंटी डेज का लाइव इंटरेक्शन होता लाइक अगर आप लोग मेरे सिस्टम पे रहते हैं राइट सो हम लोग एक एक सिस्टम के आसपास बैठे रहते तो ट्वेंटी डेज में ये पॉसिबल था कंप्लीट हो जाता पर अभी हम ऑनलाइन पे हैं राइट और मेरे पास टाइम कंस्टेंट एंड ऑल है तो मैं इसको जितना डेप्थ में नहीं जा पा रहा हूं समझो ये चीज मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं बस उतना मैसेज दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है राइट अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं राइट तो मे बी लाइक सिक्सटी वीडियोज है फोर्टीन हमारा स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेशन से फोर्टीन से ट्वेंटी तक आई थिंक मास्टर पे ही ज्यादा काम करना पड़ेगा मास्टर से आपका लॉजिक बिल्डअप जो स्टेज होता है ना वो स्टार्ट हो जाएगा मतलब इसमें टोटली लॉजिक है राइट टोटली लॉजिक डेटा मेरे पास आ रहा है मास्टर का डेटा आ रहा है अब डेटा से हम कैसे ऑटोमेशन लाइक like कौन सा ट्रेडिंग सिंबल बाय करना चाहिए कौन सा ट्रेडिंग सिंबल का वॉचलिस्ट में प्रिपेयर करना चाहिए एवरीथिंग राइट right? ये सारा मास्टर डेटा बताएगा और ये आपका लॉजिक बताएगा राइट right? ये जो लॉजिक जैसा भी होगा तो लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हमें वो समझना पड़ेगा मैथ्स राइट मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा राइट right? तो ताकि आप लोग समझ पाओगे ये मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कैसे डिलीवरी देना है तो वो चीज मैं हैंडल कर लूंगा और राइट आई थिंक इस वीडियो में यही था तो जो भी डेवलपमेंट वगैरह होगा राइट right? तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट से कैरी ऑन करूंगा पार्ट फोर्टीन ऑनवर्ड राइट बस आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए राइट right? सेकेंड है सब्सक्राइब राइट मोस्ट ऑफ देम क्या है कि चैनल पे विजिट करते हैं वॉच करते पर सब्सक्राइब नहीं करते राइट तो मे बी लाइक पता नहीं थॉट प्रोसेस क्या पर कमेंट आप लोग करो राइट right? कमेंट में अगर कुछ नहीं समझ था, AT execution. AT execution, right? में आ रहा तो स्टैंडर्ड है हमारा एटी एग्जीक्यूशन एटी एग्जीक्यूशन राइट देखो इसमें एग्जीक्यूशन इसमें ना एक भी गैप नहीं है लाइक like, स्पेस नहीं है एंड एग्जीक्यूशन execution है एग्जीक्यूशन नहीं है ये चीज आप देख लेना अपने साइड से किस तरह कमेंट करना एंड जो भी आपको लर्निंग हो रहा है राइट right? अगर आप वो कमेंट पे करते हो तो पर्सनली ये चीज जो भी लोग विजिट कर रहे हैं ना तो उनको समझ में आएगा ये चैनल का मीनिंग क्या है और राइट right, तो ठीक है ज्यादा लंबा घीचते नहीं इसको गुरुस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पार्ट फोर्टीन पे ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं और राइट थैंक यू